हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, और हम लोग भी अच्छे ही हैं, देख ही रहे हैं। तो आज हम लोग आए हैं एक साथ क्योंकि ढेर सारा कमेंट्स आया था कि आपके पति को क्या हुआ है, कब हुआ, तो उसी के बारे में बात करने के लिए। जी दोस्तों, तो ये बात ऐसा है कि आज से 3 साल पहले 2021 में ना, हाँ 2021 में जब मैं सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई हुआ था, मेरा प्रीली और मेंस निकल गया था और मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान अचानक से एक दिन जब मैं हाई जंप कर लगा रहा था तो मेरा हाथ स्लिप हो गया और मेरे गर्दन पे चोट लग गया। और यह चोट कोई मामूली नहीं था, यह चोट मेरे रीढ़ की हड्डी में लग गया, जिसके कारण मेरा शरीर यहाँ से लेके नाकाम हो गया। चोट लगने के बाद तो मेरा मतलब कोई अंग ही काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ के लोग जो थे वो सब जल्दी जल्दी एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल में भेजे। वहाँ मतलब वो लोग एम्बुलेंस हाँ किए, फिर पापा को बुलाया गया हाँ था। नहीं, पहले लोकल हॉस्पिटल में मतलब भेजा गया हाँ था, जहाँ पे बताया गया ये कोई मामूली चोट नहीं है। उसके बाद मुझे पटना के लिए, मतलब पटना में एक हॉस्पिटल है मेडी पार्क बोल के, वहाँ पे भेजने के लिए मतलब एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और पापा को बताया गया। उसके बाद हम लोग पटना गए। उसके बाद तो मुझे पता नहीं आए कब बात ये बताएगी, क्योंकि मैं लगभग 1 महीने तक मतलब अपने होश में था ही नहीं। तो बताओ क्या हुआ था। तो आपको पटना ले जाया गया उसी दिन, जिस दिन चोट लगा उसी दिन रात तक आपको पटना में एडमिट किया गया था। वैसे तो वो सारा टेस्ट वगैरह होने के बाद तो डॉक्टर ने देखा, तो वो बोल रहे थे कि ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने, मतलब पापा ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मतलब कुछ भी हो मेरे बेटा को बचा लीजिए, इस तरह का बोले। तो फिर जाके डॉक्टर कोशिश किए, रिस्क तो बहुत बहुत था, लेकिन फिर भी कोशिश किए, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वो तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन हो गया अच्छे से, बट ये एनी टाइम वेंटिलेशन पे ही रहते थे और सांस खुद से नहीं ले पा रहे थे। तो फिर से एक दो दिनों के बाद फिर से इनका ट्रेकोस्टोमी किया गया, गला में यहाँ पे छेद करके अंदर पाइप डाला गया था। तो उसके बाद से जब वो पाइप डाला गया अंदर से, तो उसके बाद धीरे धीरे इनके, मतलब सांस लेने में जो होता है, वो सुधार हो रहा था। और और जब वो यहाँ का गला का पाइप काट दिया गया था तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था, मेरा आवाज़ चला गया था। तो ये लगभग पाइप कितने दिन तक रहा था? 15 दिनों तक। 15 दिनों तक रहा था। उसके बाद 15 दिन तक मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, ना तो मेरा हाथ हिलता था ना पैर हिलता था, बस मैं सिर्फ देख पाता था। तो 15 दिनों बाद ये जब यहाँ का टेकोस्टोमी हटाई, मतलब यहाँ का पाइप हटा, उसके बाद मैं कुछ बोल पाने लगा, मतलब हल्का हल्का। यहाँ पे भी कटा हुआ था, यहाँ पर दो ऑपरेशन, एक यहाँ पे है और एक यहाँ गर्दन में, जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो 15 दिनों हॉस्पिटल में रहने के बाद तो इनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन क्या बताएं आप लोगों को, ऐसा लग रहा था मतलब एक एक पल काटना, कब क्या डॉक्टर आएंगे, क्या बोलेंगे, कुछ मतलब कभी आते तो कभी अच्छा सुनाते, कभी आते तो कभी बुरा सुनाते। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कब अच्छा समय आएगा, कब ठीक होगा, कब घर जाएंगे हम लोग इनको लेके। मतलब मानो एक पल में सारा कुछ खत्म हो जाता ना, उस टाइप से हो गया था। तो फिर उसके बाद 1 महीने लगभग होने वाले थे, तब इनका हालत में इतना सुधार हो गया था कि हाँ घर ले जा सकते हैं। तो फिर डॉक्टर छुट्टी दे दिए वहाँ से, तो हम लोग घर आए। वो डॉक्टर बोले कि अब इसका तो कोई इलाज है ही नहीं, आप लोग फिजियोथेरेपी करवाइए और भगवान पे भरोसा रखिए कब तक ठीक होते हैं। तो हम लोग घर आए, फिजियोथेरेपी का फीस भी बहुत ज़्यादा था, फिर भी एक घर में एक आदमी ही, मतलब वो ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो फिर भी हम लोग कोशिश किए, एक दो फिजियोथेरेपिस्ट को रखे कि ताकि चलो किसी वजह से कैसे भी करके ये ठीक हो जाए। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट भी ऐसा था, क्या इतना फास्ट फास्ट पे थेरेपी कराया, इनके दोनों हिप जॉइंट में फ्रैक्चर कर दिया। फिर तो मुश्किल तो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो उस टाइम कोरोना का भी टाइम था, हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो फिर जब थोड़ा बहुत कोरोना का जैसे बात थोड़ा बहुत ख़त्म होने लगा, तो हम लोगों ने दिल्ली में डॉक्टर से बात किया। तो फिर वो बोले यहाँ आ जाओ, यहाँ पे
थेरेपी के लिए, तो फिर हम लोगों ने दिल्ली गए वहाँ पे थेरेपी के लिए। वहाँ जाके पता चला कि यहाँ जॉइंट में फ्रैक्चर होने के बाद वहाँ पे हड्डी बढ़ गई, इस वजह से ये सही ढंग से बैठ भी नहीं पा रहे थे। मतलब मानो ऐसे बैठे रहते थे, ऐसे सीधे आ ही नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, थेरेपी भी इनका सही ढंग से नहीं हो सकता है जब तक आप इनका सर्जरी नहीं करवाइएगा। तो मतलब क्या बोले, मतलब एक परेशानी गया नहीं, दूसरा फिर से आ गया। तो फिर हम लोगों ने वहीं पे दिल्ली में ही इनका सर्जरी करवाया, जो कि डॉक्टर उसमें भी करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि हिप जॉइंट का सर्जरी था। तो वो मना कर रहा था कि मतलब जितना टाइम हम हड्डी काट काट के निकालेंगे, इनका ब्लड लॉस होगा। मतलब मुश्किल था वो करने के लिए, मतलब लास्ट टाइम तक बोल रहा था कि नहीं 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 लेकिन हम लोगों का मतलब ये था कि वो अगर नहीं कराते तो भी मुश्किल, और कराते तो भी मुश्किल। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसमें भी रिस्क लिया कि चलो भाई, जो हो भगवान के भरोसे, आज तक तो कभी किसी के साथ बुरा किए नहीं, भगवान भी तो इतना तो कम से कम देखेंगे, इतना भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। तो फिर सर्जरी हुआ, उसमें भी ब्लड का बहुत सारा ज़रूरत पड़ा, लेकिन वहाँ पे जो आदमी लोग थे वो लोग सपोर्ट किए, उन्होंने ब्लड दिया, इनका सपोर्ट किया। फिर सर्जरी हो गया, तो उसके बाद कुछ दिनों तक हम लोग वहाँ पे रहे। और एक चीज़ और हो गया, सर्जरी होने के बाद इनका घाव भी नहीं भर रहा था, लगभग 6 महीने लगा इनका घाव भरने में। तो उसके बाद फिर हम लोग, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गया अब, तो फिर हम लोग यहाँ पे गांव आ गए। तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि चलो अब तो थोड़ा बहुत मतलब कुछ आगे बढ़ने का सोचे। तो हम लोग यूट्यूब सोचे खोलते हैं अपना चैनल, लोगों का सपोर्ट मिला तो आगे जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत, इतना कम टाइम, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना सपोर्ट मिले। सो उसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों को। और इसी तरह हम लोग को सपोर्ट करते रहे ताकि हम और आगे चलते और चलते रहे और हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सके। और आप लोगों को मतलब जो भी जानकारी मिले कि हाँ यहाँ पे इस तरह का इलाज होता है, यहाँ पे ये ठीक हो सकते, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हाँ ऐसे वो ये वो। आप लोग प्लीज़ 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 मैं सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हम लोग कैसे क्या है। मतलब हम लोगों का हंसी हंसने खेलने का उम्र में ही ये सारा कुछ हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ भी हो साथ मिल के झेलेंगे, क्या हाँ चल। और प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट करिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए आएंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों का सपोर्ट हो सके। और हाँ, खास बात ये कि मेरे इस बुरे समय में मुझे मेरे पूरे परिवार का अच्छा सपोर्ट मिला, खास करके मेरे मामी पापा और मेरी प्यारी बीवी का, जो हमें हर मतलब हर दुख के क्षण में मेरे साथ रही और हमेशा रहेगी, है ना नन्नू जी? हमेशा लव यू। लव यू टू। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, वन सेकेंड, बाय। बाय बाय।